अब जब ये पुलिस की भी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आ गई है और कहा जा रहा है कि ये किडनैपिंग है और कहा जा रहा है कि उन्होंने अगवा के लिए बाजियाब करना है जो मुविया है दुआ जहरा और गिरफ्तार करना है जहीर अहमद को, तो तमाम तर वो हजरात खवातीन जो इस बच्ची का इंटरव्यू यूट्यूब पे कर रहे हैं और कंसील कर रहे हैं किडनैपिंग के क्राइम को और ग्लोरीफाई कर रहे हैं किडनैपिंग के क्राइम को, सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों की अबडक्शन को, सेलिब्रेट कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज को, सेलिब्रेट कर रहे हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस को और उनके पे पर्दा डाल रहे हैं, उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्फॉर्म कर रहे जा रहा है, वॉर्न किया जा रहा है कि अब आप मजीद अगर ये कार्रवाई करते हैं तो विदाउट एनी डाउट आप एक क्राइम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप एक क्राइम को कंसील कर रहे हैं, आप एक क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के तहत जो रूल्स हैं और लॉज हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है, ये एफआईए के तहत जो कानून और लॉज हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है, ताज़ीरात पाकिस्तान के हवाले से जो कानून है उनकी भी खिलाफ वर्जी है। तो प्लीज अगर किसी को ये शक था वो शक अब दूर हो जाना चाहिए, इस क्राइम को क्राइम के तौर पे लीजिए, क्राइम को ग्लोरीफाई ना कीजिए, क्राइम को कंसील ना कीजिए, क्राइम को सेलिब्रेट ना कीजिए। सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोगों को शौक है कि इस केस के मरकजी किरदार बन जाएं, लीड एक्टर या लीड एक्ट्रेस बन जाएं और उसके जरिए उनको व्यूज मिलेंगे और यूट्यूब तो आपको ऊपर पे व्यू करता है, तो आप हकायक पे मबनी रिपोर्ट कर रहे होंगे तो वो बोरिंग होगी, उसको फैट्स होगा, आप उसको मसाला लगा के सेंसेशनलाइज करेंगे जैसे किया जा रहा है माजरत के साथ तो वो डिफरेंट होगा। मैं इसीलिए मैंने आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको जो मैसेज देना था दे दिया, मैं किसी को नाम लेके वो इज्जत नहीं देना चाहता जो वो क्या रहे हैं, मगर जहां तक किसी की प्रोफेशनल एथिक्स है यकीनी तौर पर भी हमने अभी तक जो बात इसमें की है जो हदशात जाहिर किए हैं वो बेस्ड ऑन एविडेंस एंड बेस्ड ऑन प्रोग्रेस किए हैं। मैंने इस केस के अंदर आके अभी तक अपनी जिम्मेदारी के तहत कोई भी ऐसा क्राइम अलेज नहीं किया जो सिर्फ हवा के अंदर कंस्पिरेसी भी बेस्ड हो, स्पेसिफिक फोकस रखा है बच्ची अंडर एज हो तो कौन से सेक्शन अप्लाई होते हैं उन हकायक की रोशनी में जो अभी तक हमारे सामने आए हैं, और हम इसमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहे हैं। बाकी अगेन जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारी को समझेंगे, और अगेन मैं कहूंगा कंसीलमेंट ऑफ अ क्राइम इज अ क्राइम, ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ क्राइम इज अ क्राइम, इनसाइटिंग अ क्राइम इज अ क्राइम, क्राइम को छुपाना, क्राइम की तशहीर करना और लोगों को एक तरीके से मोटिवेट करना यार तुम भी ये काम करो, तुम भी इस राह में निकलो, ये क्राइम।